आलू बुखारे यार ये भाई वहाँ बहुत कर रहे हो यार क्या कर रहे वो कहते हैं ना अनप्लान्ड ट्रिप्स आर द बेस्ट ट्रिप्स. मैंने अपने कज़न उसामे के साथ गांव जाने का प्लान तो बना लिया था लेकिन हम रात को इस तरह अचानक से वो भी 2 बजे निकलेंगे ये प्लान नहीं था. तो बस अभी 1 बज रहे हैं जब तक मैं पैकिंग करता हूँ तैयार होता हूँ फिर 2 बजे हम निकलेंगे और तकरीबन फजर की नमाज तक हम कश्मीर पहुँच जाएंगे फिर आपको वहीं पर मिलते हैं. अच्छा तो यार रात का सफर किया नींद पूरी करके फिर मिलते हैं. यार जुम्मे का वक्त है और अभी उठूँ मेरी नींद सही पूरी नहीं है. यहाँ पे ये मसला होता है कि जामिया मस्जिद बड़ी दूर होती है तो अभी वक्त लेट हो गया. मैंने पूछना तो जल्दी और वो नीचे गाड़ी वगैरह रेडी है और मेरे कज़न वगैरह जा रहे हैं तो उनके साथ मुझे रहना स्पीड रखनी है. जुम्मा तो छोड़ नहीं सकते ना, जुम्मा तो ज़रूरी है आपको पता. ये अफनान और उसामा लोगों के आलू बुखारे चोरी करते हुए बीच रोड में चोरी हो रही है. अभी देखना मुझे दरख्त पर चढ़ते हुए उठाओ पकड़ो. अरू के पास जा रहा हूं. ओप्स जुमा तो पढ़ के आ गए थे ज़रा फूफो वगैरह के गैस से होकर आए हैं चीज़ें खाई हैं इन्जॉय कर रहे हैं. सीन ये है ना कि मेरा दो कज़न जो है ना उसामा उसके दोस्त आ रहे हैं 2-3 तो रात को शायद बारबेक्यू का प्लान करें तो वो मैं आपको सीन दिखाता रहूँगा. तो यार आपको तो पता है गाँव आते हैं फलों का सीजन होता है और इस दफा बरकत भी हुई है बड़ा फल लगा है तो जरा ये कुर्बानियां भर के लानी है. जरा अच्छा है मजे के अभी इधर भी लगी हुई है आप देखें दिखाए ना. ये मुजद्दद है ये आप देखें आपके सामने आपका क्लेनिस्ट बॉय चढ़ रहे दरख्त पे. क्लेनिस्ट बॉय यार जो भी है यार अब क्या करूँ मेरी प्रोनाउंसिएशन बहुत वीक है अब यू नो इंग्लिश इज लाइक हेल. ओ वाओ आई कैच न्यू खुबानी यू नो लुक वाओ ओ वाओ आई फाउंड अनदर वन वाओ हियर लुक एट योर बॉय. तो नाज़रीन पहले फल का तो शिकार हो गया अभी उसामा गया सेब के पकने का सीजन तो नहीं है लेकिन कुछ सेब बहुत पक गए बीच में तो उतार लेने चाहिए हमें. आपको मैं दिखाता हूँ. अच्छा सेब के पकने का सीज़न ही है लेकिन ये देखिए कितना छोटा सा सेब है लेकिन फुल पक चुका है और इसके साथ ही बड़े सेब हैं वो नहीं पके. आई मीन व्हाट इज़ दिस, ये क्लाइमेट चेंज है या क्या मसला है कुछ पता नहीं. हाँ आप सेब का साइज़ चेक करें और देखें फुल पका हुआ है. ये वाला ये ख़राब लग रहा है भाई. तो जी अभी मैंने जाना है अपने कज़न उसामा के साथ दिरकोट मेन शहर है वैसे हम लोग गाँव में तो वहाँ जाएंगे बारबेक्यू के सामान वगैरह लाना है. उसके दोस्त भी थोड़ी देर तक आते होंगे और मैं नंगे पैर हूँ तो मुझे शूज़ वगैरह पहनता हूँ फिर रेडी होके जाते हैं. तो मगरिब का वक्त हो गया करीब अंधेरा होने वाला है. मगरिब के बाद यहाँ पे गाड़ी नहीं चलती और हमने अभी टैक्सी पकड़नी है जाना शहर की तरफ और वक्त है कम मुकाबला है सख्त. इसके दोस्त आ रहे हैं चीज़ें वगैरह लेनी है हमने बारबेक्यू का सीन है गोश्त के बगैर तो बारबेक्यू नहीं होगा तो हमें देर होगी है. ज़रा मैं ज़रा नीचे थोड़ी कच्ची रोड तक तो आ गए वहाँ ज़रा आगे गाड़ी आ रही है देखते हैं हमें लेके जाती है कि नहीं. क्या उसामा बात कर पूछ ले जाओ. अब हम दिरकोट जा रहे हैं. ये हम सामान वगैरह लेके बैठे हुए और उसामा को उतरता नजर आ गया और मगरिब का वक्त है बिल्कुल अंधेरा डलने लगा. इसके दोस्त अभी तक नहीं पहुंचे. अब पता नहीं हम उनके इंतज़ार करेंगे फिर अंधेरा हो जाएगा पता नहीं गाड़ी मिलती है कि नहीं देखते हैं. जब तक उसामा के दोस्त आते हैं सामने का थोड़ा वाइन एंजॉय करते हैं यहाँ पे.
गलत रहा। तो यार उसामा के दोस्त आ गए, उनके साथ दुर्कोट से हम रिक्शे में आए हैं और अभी रात है, उन लोगों को घर छोड़ के आए हैं, इनके लिए जरा खाने का बंदोबस्त करें। रास्ते आप देख सकते हैं कितने मुश्किल है। मैं खुद पे लाइट मारूँ तो मुझे नजर नहीं आ रहा आगे क्या, तो बस अभी आपको आगे के सीन दिखाएंगे, बारबेक्यू के सीन। आप लोगों ने शोर नहीं करना, बाकी लोग ना उठें, हम लोग रात को सोकर उठें। जी आलू बुखारे तोड़ने दिखाओ भाई, किसा तोड़े आप आलू बुखारे? यू नो आलू बुखारे रात के टाइम उसामा आलू बुखारे तोड़ते हुए, और हम लोग जरा नींद नहीं आ रही थी तो भूख लगी है, खाने के लिए सब कुछ ख़त्म था, तो ये टाइम आ गया जी, अब हम आलू बुखारे तोड़ेंगे। तो भाई बारबेक्यू का सीन चल रहा है अभी हमारे सामा भाई। यो भाई बहुत थक गए हम इस टाइम, लेकिन हम बारबेक्यू करना हमारे टाइम इसलिए कर रहे हैं। बस यार खाएंगे पिएंगे फिर सो जाएंगे, नींद बड़ी सख्त ही है। बारबेक्यू करते तो उसके बाद क्या है, सो जाएंगे फिर सुबह उठेंगे फिर कल के दिन में मिलेंगे। तकरीबन अभी रात के 2 बज रहे हैं और सारे बॉयज सो चुके हैं, और मैं और सामा इसे बारबेक्यू कर रहे थे, तो जो हमारे अभी टिक्के बिल्कुल रेडी हैं, आराम से चटनी के साथ खाएंगे, चटनी कम है लेकिन कोई नहीं खाएगा, रात में सो जाएंगे फिर बस खा के सो जाना है, फिर आपको नेक्स्ट डे मिलेंगे। बॉयज सो रहे हैं और उनके लिए नाश्ते के लिए चाय आ रही है भाई, चाय लेके जा रहा हूँ, फिर आगे नाश्ता करेंगे। तो सुबह जब हम उठे थे नाश्ता वगैरह करके, थोड़ी सी बारिश हुई इसलिए हम गए नहीं, तो अभी फिर दोबारा बारबेक्यू कर रहे हैं, और हम जरा आलू बुखारे तोड़ के लाए थे आपको, वो दिखाते हैं हम। ये आप आलू बुखारे चेक करें, ये जा रहे हैं जी पिंडी, पिंडी से ऑर्डर आया जी, ये सारे भर के जा रहे हैं, और आपको हम दिखाते हैं बारबेक्यू के सीन, रात को बारबेक्यू, दिन को बारबेक्यू, और हर वक्त बारबेक्यू, क्योंकि पेट पूजा भी जरूरी है। रात को तो सारे सो गए थे बारबेक्यू टाइम में, और सामा ही थे सिर्फ, और अभी सारे बाकी भी हैं, तो बारबेक्यू करेंगे और क्या, खाना भी नहीं जरूरी है। धुआं बहुत कर रहे हैं, और ब्लॉगर है, ब्लॉगर है, अभी ये टिक्के बना रहा है, टिक्के तो कश्मीर का एक मसला है, यहाँ पे हल्के सी भी बूंदा बांदी हो जाए ना तो यहाँ बिजली चली जाती है, और बिजली चली जाए इधर कुछ पता नहीं कि कब वापस आए, कभी कभार तो 2-2 दिन तक नहीं आती। तो सुबह हम उठे थे, सुबह से मैं कोशिश कर रहा था कि बिजली आए, मैं कपड़े इस्त्री करके पहनूं, लेकिन बिजली नहीं आई, तो मुझे बगैर इस्त्री के पहनने पड़ गए। और अगर आपको फील हो रहा है कि यार मैं व्लॉग ऐसे ही बना रहा हूँ, स्टोरी टेलिंग मेरी सही नहीं है, स्टोरी इसलिए सही नहीं बता पा रहा ना कि मैं मूवमेंट को इन्जॉय करने की कोशिश करता हूँ, कि क्योंकि मुझे पता ही मूवमेंट है अभी है, बाद में नहीं आएगी, तो अभी मैं उसको इन्जॉय करता हूँ, अगर थोड़ा बीच में टाइम लगे वीडियो भी बना लेता हूँ साथ साथ, तो इस वजह से मेरा थोड़ा ये होता है टूटा फूटा व्लॉग होता है, पिछले व्लॉग भी अगर आप मेरे देखे ऐसा ही हिसाब है, तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं यार मोमेंट को एंजॉय करूं, तो बस इस वजह से मेरे व्लॉग ऐसे ही बेतुके से होते हैं, जो करता रहता हूं साथ साथ बनाता रहता हूं, कोई स्टोरी प्रॉपर बना के नहीं करता मैं, जो हो रहा है बनाते जाओ, बाद में देखेंगे एडिट करते वक्त। इसका साइज चेक करें, इसकी फड़फड़ चेक, इसका साइज देखे सिर्फ कुकु, साइज देख अपना साइज बताओ, इसके बाल देखे कितने बड़े हैं, इसकी दुम चेक करें सिर्फ, इसके भी टांग पे बाल होते हैं, लेकिन इसका ये होता है कि इनका साइज छोटा होता है, और ये चलते बहुत अजीब तरीके से, चलो कुकु चलो, ये इस तरह रोबोटिक तरीके से चलते हैं, ये मुर्गी नंग नड़ी है,
ये नंग लड़ी की नहीं मारे नंग का छाड़ तो हम लोग विलेज लाइफ एंजॉय कर रहे हैं अफनान की मुर्गियों के साथ जो मुर्गी शहर की आई है लेकिन ये भी हमारे साथ गांव में एंजॉय कर रहे हैं। ये है चाय गरम, ये है बिस्किट गरम और खाने वाला बड़ा। ये थोड़े प्लान में चेंजिंग आ गया, मैंने सोचा था मैं यहाँ रुकूंगा एक दिन और गांव में एंजॉय करूंगा। अयोध्या जा रहे हैं हम लेकिन उसामा उसके दोस्त कह रहे हैं अयोध्या चलते हैं, अयोध्या किसी का रेस्ट हाउस है उधर एंजॉय करेंगे।